अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक और नई क्रिकेट न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। कौमी क्रिकेट टीम के ओपनर इमामुल हक की मुख्तलिफ लड़कियों के साथ की जाने वाली व्हाट्सएप चैट और नजेबा तस्वीर सोशल मीडिया पर लीक होने के बाद पीसीबी में मैदान में आ गया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप क्रिकेट से मुतल्लिक तमाम वीडियो सबसे पहले देख सकें। इमामुल हक की व्हाट्सएप चैट और नजेबा तस्वीर सोशल मीडिया पर लीक होने के बाद पीसीबी भी मैदान में आ गया है। इमामुल हक की तस्वीर सामने आने पर पीसीबी ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। पीसीबी हुकाम का कहना है कि इमामुल हक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा हैं। उनके सोशल मीडिया पर सामने आने वाले मामले की छानबीन कर रहे हैं। तहकीकात मुकम्मल होने के बाद कोई फैसला करेंगे। ख्याल रहे कि सोशल मीडिया पर इमामुल हक की मुख्तलिफ लड़कियों से व्हाट्सएप की जाने वाली फहश चैट और नजेबा तस्वीर लीक हो गई हैं, जिसके बाद ट्विटर पर इमामुल हक और मी टू के हैशटैग टॉप ट्रेंड कर रहे हैं। इमामुल हक पर इल्ज़ाम आयद किया गया है कि वो गुज़िश्ता 6 माह के दौरान एक ही वक्त में 7 से 8 खवातीन को ना सिर्फ बेवकूफ़ बनाते रहे बल्कि उन्हें धोखा भी देते रहे। सोशल मीडिया पर इल्ज़ाम आयद करने वाले शख्स ने कहा है कि उनके पास इमामुल हक की व्हाट्सएप पर बातचीत के मज़ीद स्क्रीन शॉट्स और वीडियोज़ भी मौजूद हैं, ताहम वो मुतासरीन की रजामंदी के बाद ही उसे जारी करेंगे। बाएं हाथ के खिलाड़ी इमामुल हक 2017 से अब तक अपने इंटरनेशनल करियर के दौरान 10 टेस्ट मैचेस, 36 एक रोजा मैचेस और बैन अल-अक़वामी T20 मैचेस भी खेल चुके हैं। 23 साल इमामुल हक वर्ल्ड कप 2019 में भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्क्वाड में शामिल थे। इमामुल हक कौमी टीम के साबिक कप्तान इंजमामुल हक के भतीजे भी हैं। दोस्तों, आप भी इमामुल हक के बारे में अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में करें। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अ लाइक वुड बी अप्रिशिएटेड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।